रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। अब मुझे चांदनी को अपने प्यार के जाल में फंसा नहीं होगा। चांदनी ओ मेरी चांदनी। आसमान से जमीन पर उतर चुकी है चांदनी, और जैसा कि आपको पता है कि इस चांदनी को पाने के लिए कई दावेदार हैं। पहले ही चांदनी अपने सबसे बड़े दावेदार अध्वे के सामने आंसू बहाकर आई है, और अभी चांदनी अपने दूसरे दावेदार प्रथम के साथ है। प्रथम के हाथों में चांदनी का हाथ है, और प्रथम से ये खुशी संभाले नहीं संभल रही। मेरे लिए तो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं प्यार देव से करती हूँ, फिर अध्वे के साथ मेरी रस्म हो रही है, और शादी में प्रथम से करने जा रही हूँ। तो मेरे लिए सब कुछ डिफिकल्ट है अभी के टाइम पे। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मुड़ी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। अपने इस सिंड्रेला वाले क्लासी लुक में तैयार होकर चांदनी अपने झूले की रस्म के लिए यहाँ पहुँच तो गई है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी ये रस्म भी प्रथम के साथ नहीं बल्कि अद्वय के साथ ही होने वाली है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि शादी मेरी प्रथम के साथ होने वाली है, बट जितनी भी रस्म हो रही है वो अद्वय के साथ हो जाती है। झूले की रस्म है, इसमें दूल्हा दुल्हन झूले पे बैठते हैं, झूला झूलते हैं, तो ये डिफरेंट रस्म है एक्चुअली। वैसे चांदनी पिछले 2 दिनों से अपने सिंड्रेला वाले लुक में झूले की रस्म के लिए शूट कर रही है, और अपने इस लुक में तैयार होने में काफी वक्त लग रहा है उसे। चांदनी के लिए और मेरे लिए तो मतलब ऐसा है कि सिंड्रेला वाला सिंड्रेला वाला ड्रेस है, सो इट्स लाइक आप देख सकते हैं प्रॉपर क्यूट ड्रेस है सिंड्रेला, बट हाँ इसमें चुन्नी ऐड है, दुपट्टा है मेरे साथ, सो ड्रेस के साथ एक स्पेशल दुपट्टा मैंने पहना है, सो ब्लू कलर का दुपट्टा एंड फेदर्स छोटे छोटे, इट्स अ वेरी क्यूट ड्रेस। एंड इस ड्रेस में मेरे हाथ में आप देखोगे बैंगल्स नहीं है, लाइक स्नेक वाला थोड़ा प्रिटी सा। इयररिंग्स ये बड़े हैं लेकिन हैवी नहीं है, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे हैं। हमें चांदनी की शादी के वेडिंग प्लानर, आंधी आए या तूफान पूरी रात गाना बजाना जारी रहना चाहिए। सर पूरी रात? बैंड बजेगा तभी तो मजा आएगा। खैर इस झूले की रस्म में तो कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, लेकिन एक ट्विस्ट इससे पहले आ चुका है। चांदनी को अद्वय के सारे फर्जी पासपोर्ट मिल चुके हैं, और उसे पता चल चुका है कि अद्वय 4 देशों में अलग अलग नाम से पासपोर्ट बनवा चुका है। खैर चांदनी अद्वय से उसका सच कैसे निकलवाती है ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल तो चांदनी अपनी बहनों के साथ बड़े ही क्यूट और इमोशनल पल बिता रही है। अपनी शादी से पहले वो अपनी बहनों के साथ अपने बीते बचपन को याद कर रही है। पहले तो हमारी मस्ती होती है बहुत सारे, हम छेड़ते हैं दीदी को बहुत, ऐसे यू नो सिस्टर्स वाले हमारे कन्वर्सेशंस है। एंड उसके बाद जीजी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि शादी के बाद लड़कियों को जाना पड़ता है, तो फिर इमोशनल मोमेंट है हम तीनों का, तो बहुत प्यारा सा सीन है ये। या ऐसा ना हो उन्हें फंसाते फंसाते खुद ही फंस जाओ और दुश्मन की मोहब्बत में पड़ जाओ। तो देखना ये है कि इतने सारे उलझे सवालों के बीच से चांदनी कैसे पता करती है अद्वय का सच। नुपुर माउची, मुंबई, आज तक।